दो भाई और मैजिकल गाय। दो भाई थे हिरेश और रमेश। अपने पिता के देहांत के बाद दोनों अलग अलग घर में रहते थे। बड़ा भाई हिरेश दूध का व्यापारी था। उसके पास बहुत सुंदर और तंदुरुस्त गाय थी। वह गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। वह अपनी गाय का अच्छे से ख्याल रखता था और अपनी गाय को ताजी घास खिलाता था। और हिरेश अपनी गाय के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहता था। हिरेश का पड़ोसी उसका छोटा भाई था। उसके पास बहुत सारी गाय थी, फिर भी वह अपने बड़े भाई से जलता था। अरे हिरेश के पास एक गाय होकर भी वो इतना खुश कैसे रहता है? मुझे लगता है इसकी गाय ज्यादा दूध देती होगी। अगर ये गाय मुझे मिल जाए तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। उसी दिन वो हिरेश के घर जाता है। अरे मेरे छोटे भाई रमेश, कैसे हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ और मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। आज इस तरफ कैसे? अरे कुछ नहीं भैया, असल में कुछ काम से आया हूँ। हाँ बोलो रमेश, कैसा काम? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे छोटे भाई की मदद करूँगा। भैया मैं तुम्हारी गाय खरीदना चाहता हूँ। ये बात सुनकर हिरेश को बहुत गुस्सा आता है। पर मुझे मेरी गाय नहीं बेचनी है रमेश, इस गाय के अलावा मेरा और कोई नहीं है। अगर ये गाय बेच दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? भैया मैं आपको इसके अच्छे पैसे दूंगा, जिससे आप जमीन का एक टुकड़ा खरीद लेना और उसी पर खेती करके अपना गुजारा करना। नहीं, मुझे मेरी गाय नहीं बेचनी है, तुम चले जाओ यहाँ से। रमेश हिरेश के घर से बाहर आता है और वो सोचता है कि मुझे भैया को मजा चखाना पड़ेगा। उसी रात को रमेश अपने भाई के घर के पास गया, जहाँ हिरेश अपनी गाय को बांधता था। वह हिरेश की गाय की घास में कुछ दवाई मिला देता है। अगले दिन जब हिरेश गाय से दूध निकालने आता है, उसे गाय बहुत कमजोर लगती है। जैसे ही हिरेश गाय से दूध निकालने जाता है, गाय छटपटाने लगती है। यह आज गाय को क्या हुआ है, दूध भी नहीं दे रही है? ऐसे बहुत दिन तक चला। कुछ दिन बाद एक बूढ़ी औरत हिरेश के घर आती है। सुनो बेटा, कुछ खाने को है? हिरेश के पास बहुत ही थोड़ा खाना होता है, फिर भी वह अपना खाना उस बूढ़ी को दे देता है और खुद भूखा रहता है। शुक्रिया मेरे बच्चे। जब बूढ़ी जा रही थी, उसकी नजर गाय पर पड़ती है। सुनो बच्चे, ये गाय तो बीमार लगती है, क्या ये बीमार गाय तुम्हारी है? हाँ आजकल बीमार है और दूध देना भी बंद कर दिया। बूढ़ी गाय के सिर पर हाथ फेरती है और चली जाती है। दूसरे दिन सुबह जब हिरेश अपनी गाय से दूध निकालने आता है, तो वो देखता है कि पहले से ही बहुत सारा दूध था। और तब हिरेश ये देखकर हैरान होकर सोचता है, तभी आवाज आती है। वह देखता है कि गाय बोल रही है। गाय तुम बोल सकती हो? हाँ तुम बहुत ही अच्छे हो, अपना खाना भी उस बूढ़ी को दे दिया। मैं एक मैजिकल गाय हूँ, अब तुमको जितना दूध चाहिए मिल जाएगा। हिरेश उस दूध को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है और कुछ दिनों में वह दूसरी गाय खरीदता है और धीरे धीरे वह बहुत गाय खरीद लेता है और दूध का बहुत बड़ा व्यापारी हो जाता है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई को नुकसान हो जाता है और फिर एक दिन उसका छोटा भाई रमेश अपने बड़े भाई से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने ही घास में दवाई डाली थी। कोई बात नहीं है। हिरेश रमेश को माफ कर देता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, इससे हम अपना और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। झुंझुन नगर में एक ट्रक ड्राइवर रहता था। ट्रक ड्राइवर के घर के बगल में नरेश नाम के आदमी का घर था। वो अपनी बीवी के साथ रहता था। ट्रक ड्राइवर रोज सुबह गाना गाकर अपने ट्रक को साफ किया करता था। ओए बले बले, ओए बले बले, आज मौसम बेमान है बड़ा। ओहो,
जब से ये ट्रक वाला आया है इसने तो दिमाग खराब कर दिया है, चैन से सोने भी नहीं देता। अरे तुम खर्राटे लगाकर सोते ही रहना, इस ड्राइवर के बच्चे ने तो मेरी नींद खराब कर रखी है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो जी, जाओ और उसे चुप कराओ। नरेश बाहर जाता है। ओए ड्राइवर के बच्चे, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ओ नाजीना, मैं ड्राइवर का बच्चा नहीं हूँ, पापा जी तो किसान थे हमारे, ड्राइवर तो मैं हूँ जी। सुबह सुबह हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हो? ओ कमाल है जी, सुबह सुबह भी बोल रहे हो और नींद खराब कर दी ये भी बोल रहे हो। मैं तो कहता हूँ जी सुबह सुबह सैर पर निकला करो। मेरी बीवी की नींद खराब हो रही है तुम्हारे शोर से। अरे आपकी बीवी भी तो मेरी बीवी है। क्या? ओ जी मेरा मतलब है आपकी बीवी है तो मेरी बीवी भी तो है मेरे घर में। नरेश चला जाता है। रात को ट्रक ड्राइवर हॉर्न बजाते हुए आता है। ओहो, इस ट्रक वाले ने तो जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। अजी सुनते हो, कहाँ चले गए? नरेश आता है। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। अब भला मैंने क्या कर दिया? सुबह शोर रात को शोर, इस ड्राइवर का क्या करूं मैं? कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक रात मौके का फायदा उठाकर कांता ने उसके ट्रक का टायर पंक्चर कर दिया। सुबह जब ड्राइवर उठा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसकी भैंस की टांग, मेरे ट्रक के टायर की किसी ने हवा निकाल दी, अब मैं गड्डी कैसे चलाऊंगा? क्या हुआ ड्राइवर भैया, आज काम पर नहीं जा रहे? ओ कांता भाभी क्या बताऊं, किसी ने मेरे टायर की हवा निकाल दी। हैं? क्या बात कर रहे हो? मेरा मतलब किसी ने मेरे टायर की हवा निकाल दी। ओ सुरेश भाई साहब जरा इधर आ जाओ जी, मदद कर दो मेरी। मेरा नाम सुरेश नहीं नरेश है। ओ नरेश परेश चड्डी बनियान जो भी तुम्हारा नाम है जी, धक्का लगाओ जी आकर के। जाओ जी इसे अच्छा सबक सिखाना। नरेश जाता है और ड्राइवर के साथ उसके ट्रक में धक्का लगाता है। हाय रे मेरी फोटी किस्मत, ऐसी बीवी ऊपर वाला किसी को ना दे, पंचर खुद करती है और धक्का मुझे लगाना पड़ता है। दोनों जाकर एक पंचर लगाने वाले की दुकान पर रुकते हैं। ड्राइवर टायर का पंचर ठीक कर देता है। ट्रक ठीक होने के बाद ड्राइवर टायर में हवा भर देता है। जैसे ही ड्राइवर दूसरे टायर में हवा भरने जाता है, इधर नरेश उसके टायर की हवा निकाल देता है। नरेश ऐसा कई बार करता है। उत्तरी टायर की सारी हवा कहाँ जा रही है जी? ड्राइवर फिर से टायर में हवा भरता है और ट्रक लेकर घर आ जाता है। आज मैंने उस ड्राइवर को अच्छा मजा चखाया है, याद करेगा वो भी। अगली सुबह जब नरेश और उसकी बीवी उठते हैं, घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा देख दोनों हैरान हो जाते हैं। हाय रे हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, चोर मेरे सारे पैसे गहने ले गया। दोनों रोते हुए बाहर आते हैं। ओ जी सुरेश भाई क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो तुसी? हमारे घर में चोरी हो गई, हम बर्बाद हो गए। ओ जी आप लोग चिंता ना करो, कल रात जब चोर चोरी करके भाग रहा था तभी मैंने उसको पकड़ लिया था, ये रहे आपके पैसे और गहने। हमें माफ कर देना भाई साहब, हमने आपको बहुत परेशान किया है। अरे छोड़ो जी, आपके सुख दुख में आपका पड़ोसी ही आपके काम आता है, इसीलिए हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्यों सुरेश भाई, सही बोला ना? मेरा नाम नरेश है। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। एक शहर में जुम्मन काका अकेले रहते थे और उनके घर के बगल में चार लड़के रहते थे, नितिन, राहुल, पंकज और शकील। एक दिन जुम्मन काका घर के अंदर सो रहे थे कि अचानक शोर आने से उनकी आंख खुल गई। ए, रुक रुक, तुम दोनों गेट के उस तरफ जाओ, आज छोड़ेंगे नहीं इसे। हाँ? रुको रुको, कोई गोली मत चलाना, वो मुझे दिख नहीं रहा। अरे बाप रे, ये तो गोली बंदूक लेकर आए हैं। अरे बम फेंक के मार दो क्या, वो बेड के पास ही होगा। क्या बम? अरे हमको क्यों मारना चाहते हो, हम तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? अरे यार रुको, मैं बम मार कर पूरा घर ही उड़ा देता हूँ। अरे देवा रे देवा, लगता है आज अपना आखिरी दिन है। एक काम करते हैं, चारों एक साथ घर के अंदर घुसते हैं और एक साथ गोली चलाते हैं। चलो चलो चलो।
जुम्मन काका चादर ओढ़कर बेड पर लेट जाते हैं। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं मारो, हमको नहीं मारो। यस, मार दिया उसे। जुम्मन चाचा इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अरे हम तो बच गए, हम तो बच गए, कुछ नहीं हुआ हमको। लगता है हमला बगल वाले घर में हुआ था। जुम्मन काका देखने के लिए अपना गेट खोलते हैं। गेट खोलते ही वो देखते हैं कि पड़ोस के बच्चे उनके घर के बाहर बैठकर फोन में गेम खेल रहे थे। अरे तुम लोग इधर, तुम लोगों ने सुना क्या? अभी गोली चल रही थी। क्या क्या आप भी? अरे कोई गोली वोली नहीं चल रही थी, ये तो हम गेम खेल रहे थे फोन में। गेम खेल रहा था? हाँ, ये देखो विनर विनर चिकन डिनर। जुम्मन काका अंदर जाते हैं और एक डंडा लेकर आते हैं। उनके हाथ में डंडा देखकर सभी बच्चे भाग जाते हैं। कुत्ता रुको, भागते किधर हो? अरे ऐसे गेम खेलते ही क्यों हैं? तुम्हारी वजह से फेफड़े मुंह में आ गए मेरे, अभी थोड़ी देर और रुकते तो गुर्दे में हार्ट अटैक आ जाता मेरे। वो चारों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जुम्मन काका को फिर शोर सुनाई देता है। इस बार वो खिड़की खोल कर देखते हैं, वो चारों लड़के पेड़ के नीचे बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। अरे नितिन, शकील, पंकज, तुम सब सुबह सुबह आगे दिमाग खराब करने। यस यस यस, चार मार दिए मैंने। तभी वहाँ पर पंकज की मम्मी आ जाती है। अरे ओ निकम्मे, दिन भर फोन में मर्डर ही करता रही हो, चल अब स्कूल का काम भी कर ले। हद है यार, कुछ ऐसे गेम भी नहीं खेलने देता। ये कहकर वो चला जाता है। जुम्मन काका नितिन के पास जाते हैं और कहते हैं, बच्चों ये जो तुम दिन भर गेम खेलते रहते हो ना, ये सही नहीं है। फोन में गेम खेलना गलत नहीं है, पर हद से ज्यादा गेम खेलना गलत है। काका हम तो अभी अभी खेल रहे हैं और वैसे भी छुट्टियां हैं, तो हम क्या करें बताओ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो बहुत शरारत और उछल कूद करता था, अपने दोस्तों के साथ भागता दौड़ता रहता था। तुम्हें भी ऐसे ही खेल खेलने चाहिए, इससे तुम्हारा शरीर मजबूत और सही रहेगा, वरना बैठे बैठे खेल कर तुम्हारा दिमाग और शरीर दोनों खराब हो जाएंगे, समझे कि नहीं? हाँ समझ गए काका। ये कहकर वो तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन शकील बाहर घूम रहा था, तभी उसने देखा कि पंकज रोड पर चलते हुए गेम खेल रहा है और उसके सामने से गाड़ी आ रही है। पंकज पंकज। पंकज के ना सुनने पर शकील भागते हुए जाता है और उसे गाड़ी में लड़ने से बचा लेता है। बाल बाल बच गए तुम आज। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, हमें कभी भी रोड पर चलते हुए फोन में गेम खेलना या गाने सुनने जैसा काम नहीं करना चाहिए। फिर शकील ने पंकज को वो सारी बातें बताई जो जुम्मन काका ने उन्हें बताई थी। तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगली सुबह फिर पबजी गन की आवाज़ आती है। मारो मारो, गोली चलाओ, वो भाग रहा है। ये कभी नहीं सुधरेंगे, पता नहीं ऐसा क्या है इस गेम में जो हम बूढ़ों को नहीं दिखता।